अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल टेल यू अबाउट जुपिटर। सो जुपिटर जो होता है लार्जेस्ट प्लैनेट होता है, ये मतलब हमारे फुल सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट होता है और ये फिफ्थ नंबर पर आता है और इसका जो टेम्परेचर है 20,000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। इसके जो रिंग्स होती हैं वो टाइनी टाइनी पार्टिकल से बनी हुई होती हैं और इसका जो एटमोसफियर होता है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर और नाइट्रोजन होता है। जैसे एक मैं आपको दे दूं कि हमारे अर्थ में नेचुरल सैटेलाइट्स अगर कहें तो एक ही मून है, लेकिन जो जुपिटर है उसमें 48 से ज़्यादा हो सकती हैं, मतलब 48 तो हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। सो अब जो है मैं आपको जुपिटर के बारे में फैक्ट्स बताऊंगी। जुपिटर जो है ये इतना तो बड़ा है कि उसमें 315 अर्थ उसमें फिट हो सकती हैं। और रोमन माइथोलॉजी का ये है कि जुपिटर जो है उनकी ज्यूस है, मतलब ये उनका शाइनिंग फादर है, पर ये पता नहीं सच है क्या नहीं, पर वो ऐसा थिंक करते हैं। इन 1610 गैलिलियो मेड एन इंस्ट्रूमेंट दैट फाउंड सम प्लैनेट्स इन दोस प्लैनेट जुपिटर वाज इन। सो 1610 में गैलिलियो ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिससे हमें जुपिटर मिला था और उससे ही उसे पता चला कि चार नए प्लैनेट्स ने बोर्न किया है। उन प्लैनेट्स का नाम क्या है? फर्स्ट का नाम है लो, दूसरे का है एरोपिया, थर्ड का है गैनीमेडे और फोर्थ का है कैलिस्टो। और इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमें पता चला कि हमारी अर्थ ही रोटेट करती है, सन हमारे पे रोटेट नहीं करता। ये पहले तो होता था कि मतलब लोग समझते थे कि सन हमारे चौगिर्द चक्कर लगाता है, बट उसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से पता चला कि सन हमारे चौगिर्द नहीं घूमता, हम सन के चौगिर्द घूमते हैं। थैंक यू, दैट वाज माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।